गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास नाइन्थ मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फोर्टीन स्टेटिक्स और आज हम करेंगे फोर्टीन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके पास गिवन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ फोर हंड्रेड न्यून ले राइट अब आपके पास एक टेबल गिवन है लाइफ टाइम इनवर्स में और नंबर ऑफ लेम्प्स मतलब थ्री हंड्रेड से फोर हंड्रेड के बीच में फोटीन फोर हंड्रेड से फाइव हंड्रेड के बीच में फिफ्टी सिक्स फाइव हंड्रेड से सिक्स हंड्रेड के बीच में सिक्सटी सिक्स हंड्रेड से सेवन हंड्रेड के बीच में एटी सिक्स सेवन हंड्रेड से एट हंड्रेड के बीच में सेवेंटी फोर एट हंड्रेड से नाइन हंड्रेड के बीच में सिक्सटी टू और नाइन हंड्रेड से वन थाउजेंड के बीच में फोर्टी एट क्लियर अब आप देख रहे होंगे कि ये सारे डाटा टेबल के फॉर्म में गिवन है हमें डेफिनेटली क्या बनाना है ग्राफ बनाना है सबसे पहले हमेशा याद रखना कि जब भी ग्राफ बनाना है तो आपकी टेबल के ये दो पॉइंट ये क्रॉस वाले पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए राइट सेम नहीं है तो आप इनको सेम करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमने किया था इन दोनों का डिफरेंस लेके जितना डिफरेंस आएगा उसका हाफ कर देंगे तो फर्स्ट वाली टर्म में से माइनस और सेकेंड में प्लस हमेशा याद रखना बट यहाँ पे इसकी ज़रूरत है ही नहीं क्यों क्योंकि हमारे ये वाले डाटा दोनों हमेशा क्या है यहाँ पे सेम है तो हम ग्राफ यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हैं अब यहाँ पे हमें कौन सा ग्राफ बनाना है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम देखिए तीन तरीके के ग्राफ है हमारे इसमें बारग्राफ सेकेंड इज़ हिस्टोग्राम थर्ड इज़ पोलिकॉम बार ग्राफ में क्या रहते हैं जितने भी कॉलम्स हैं दूर दूर बनते हैं हमेशा याद रखना हिस्टोग्राम में सारे कॉलम्स कैसे बनते हैं पास पास बनते हैं राइट पहली चीज दूसरी पॉलीगॉन में पास पास तो बनते हैं साथ में कर्व भी रहता है जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे राइट तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डाटा इज गिवन बिलो सबसे पहले हमें क्या बनाना है एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस राइट अब हमारे पास डाटा कहाँ से है अगर हम देखें सबसे छोटी वैल्यू कितनी है फोटीन और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है एटी सिक्स हम यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस ले लेंगे टेन टेन का राइट देखिए ज़ीरो रहेगा हमेशा टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी हंड्रेड तक ले लो राइट चाहो तो ये आपका हो गया ज़ीरो से स्टार्ट हो गया राइट अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा डाटा का क्या गिवन है आप चाहो तो जीरो के पास हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड भी ले सकते हो हंड्रेड हंड्रेड का डिफरेंस ले लेंगे नीचे की तरफ तो आप चाहो तो ये जिक जैक ना करते हुए ये भी कर सकते हो ये हंड्रेड हो गया और ये टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड और थाउजेंड क्लियर अब हमारे पास सबसे पहला कहाँ से कहाँ तक दिया है देखिए थ्री हंड्रेड से फोर हंड्रेड कहाँ तक दिया 14 तक तो देखिए थ्री हंड्रेड को हमने बढ़ाया और फोर हंड्रेड को कहाँ तक बढ़ाएंगे टेन के बाद थ्री लाइन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन बढ़ा दिया इस पार्ट को हम क्या कर देंगे शेडेड राइट शेडेड कर दिया राइट right? सेकेंड दिया है फोर हंड्रेड से फाइव हंड्रेड के बीच में फिफ्टी सिक्स राइट तो थ्री फोर हंड्रेड को हमने फिफ्टी तक बढ़ाया फाइव हंड्रेड को भी फिफ्टी तक बढ़ाया फिफ्टी सिक्स तक राइट फाइव फिफ्टी के बाद सिक्स लाइन बढ़ा दिया उसके बाद हमने इस पार्ट को क्या कर दिया शेडेड कर दिया राइट उसके बाद दिया है फाइव हंड्रेड से सिक्स हंड्रेड के बीच में कितना दिया है सिक्सटी मतलब हमने इसको कहाँ तक बढ़ाया सिक्सटी तक और इसको भी कहाँ तक बढ़ाया सिक्सटी तक इसको हम क्या कर देंगे शेडेड राइट शेडेड कर दिया इसके बाद हमने करा सिक्स हंड्रेड से सेवन हंड्रेड के बीच में कहाँ तक बढ़ाया एटी सिक्स तक तो मतलब सिक्स हंड्रेड को हमने एटी सिक्स बढ़ाया सेवन हंड्रेड को भी हमने एटी सिक्स तक बढ़ाया राइट और उसको क्या कर दिया शेडेड क्लियर शेडेड कर दिया उसके बाद सेवन हंड्रेड से एट हंड्रेड के बीच में हमने कहाँ तक बढ़ाया सेवेंटी फ़ोर तक मतलब सेवेंटी के बाद में कहाँ तक के नंबर्स आ जाएंगे फोर तक राइट मतलब सेवन हंड्रेड से एट हंड्रेड को हमने कहा बढ़ाया सेवेंटी सिक्स तक राइट right? और उसको भी हम क्या कर देंगे शेडेड ये हमने कर दिया शेडेड क्लियर उसके बाद एट हंड्रेड से नाइन हंड्रेड के बीच में कहाँ तक है सिक्सटी टू तक तो यहाँ से सिक्सटी के बाद टू लाइन तक हमने बढ़ा दिया और इसको भी हमने क्या कर दिया शेडेड राइट एंड देन लास्ट नाइन हंड्रेड से थाउजेंड के बीच में कहा तक है फोर्टी एट तक मतलब फिफ्टी से दो लाइन कम यहाँ तक हमने करा इसको भी हम क्या कर देंगे शेडेड या डार्क पार्क तो ये आपके लिए लाइफ टाइम है इन अवर्स और ये है नंबर ऑफ लैम्प्स राइट तो आपको पर्टिकुलर प्रॉपर वे में डायग्राम बनाना है वन वन सेंटीमीटर पे वाई एक्सिस पे टेन टेन का डिफरेंस लेना है और एक्स एक्सिस पे हंड्रेड हंड्रेड का दिस इज हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड और जिस जिस हिसाब से कॉलम की वैल्यू दी है उसी हिसाब से हम कॉलम को ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम है तो ये सारे कॉलम्स कहाँ रहेंगे पास पास रहेंगे क्लियर सेकेंड क्वेश्चन दिया इसमें हाउ हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन सेवन हंड्रेड आवर्स ऐसे कितने लैंप है जो सेवन हंड्रेड आवर्स से ज़्यादा है राइट मतलब सेवन हंड्रेड से ज़्यादा मतलब कौन सा है सेवन हंड्रेड से एट हंड्रेड के बीच में वन टू थ्री ये तीन है तो ये वाली वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही है सेवन हंड्रेड वाली सेवेंटी फ़ोर सिक्सटी टू और फोर्टी एट राइट तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेवेंटी फ़ोर सिक्सटी टू और फोर्टी एट इतनी वैल्यूज़ क्या है ज़्यादा तीनों को प्लस करा तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया फोर ओ टू सिक्स सिक्स और एट फोर्टीन फोटीन का फोर कैरी कितना लगा वन फोर और वन फाइव फाइव और सिक्स इलेवन इलेवन और सेवन एटीन मतलब इसका आंसर कितना आ गया वन एटी फोर क्लियर वन एटी फोर तो ऐसे कितने नंबर ऑफ़ लैम्प्स है तो वन एटी फोर लैम्प्स है जो सेवन हंड्रेड अवर से ज़्यादा जिनकी लाइफ टाइम लाइफ टाइम चलते हैं राइट थैंक यू